नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मुनीश शर्मा। मैंने अभी दो ही दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें जो कुदरत की तरफ से संकेत मुझे महसूस हुए थे उसमें से मैंने कुछ बताया था कि किस प्रकार से आगे आने वाला समय मनुष्य जाति के लिए बहुत कष्टप्रद दिख रहा है, पूरी धरती के लिए बहुत। उसमें से एक मैंने अहम चीज बताई थी, अभी दो ही दिन पहले वो बताई थी और वो दो दिन बाद आज सत्य हुई। आपसे बात करने से पहले मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि जो जो मेरे मुख से ऐसा हो निकले, क्योंकि आपको बताना है तो जो है जो भी मुंह से निकले अगर वो हमारे लिए मनुष्य जाति के लिए धरती के लिए किसी भी प्रकार से बुरा हो तो वो परमात्मा कृपा करे और झूठ हो और मनुष्य जाति का कल्याण हो किसी भी तरह से। मैं आपको कुछ नियम समझा रहा हूं और जो मैंने भविष्यवाणी एक तरह से आप कह सकते हैं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो चीजें बताई थी वो आज सत्य हुई। आज आपने देखा होगा मैंने दो ही दिन पहले बताया था कि किस प्रकार से क्या क्या आगे होगा। आज मैं मोबाइल देख रहा था, फ्री था, तो बीच में न्यूज आई, सूर्य का एक टुकड़ा उससे टूट के अलग हो गया, सूर्य अर्थात खंडित हो गया, सूर्य का एक टुकड़ा उससे अलग हो गया, सूर्य टूट गया, खंडित हो गया। दो ही दिन मैंने पहले ये कहा था, ये मेरे कहने से नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो केवल वो बातें आपसे कही थी जो कुदरत का संकेत था और मैंने बोली थी कि इस प्रकार से मुझे महसूस हुआ है। तो जो कुछ मुझे महसूस हो रहा था, जो कुछ कुदरत का संकेत था, कुदरत फुसफुसा रही थी, मैं भी उसको बहुत गहराई से लंबे टाइम तक नहीं देख सका, क्योंकि ऐसा कुछ घटनाक्रम महसूस हुआ जिसको देख के व्यक्ति क्या देवता भी कंपित हो जाए, तो बहुत लंबा नहीं देख पाया। लेकिन जितना देखा था वो मैंने बताया था कि इस प्रकार से होगा कि सूर्य या आकाश के द्वारा कुछ इस प्रकार की अग्नि जलती हुई आएगी धरती पे, और ये शुरुआत होगी। जो मैंने दो दिन पहले वीडियो डाली थी और 3 महीने पहले भी इसके ऊपर बताया था कि सूर्य की तरफ से जलता हुआ कुछ पिंड आएगा, जैसे बहुत बड़ी भौगोलिक घटना होगी, सूर्य की तरफ से पिंड जलता हुआ नीचे की तरफ आएगा, लेकिन उसके अधिकतर चांस है कि वो भारत में या भारत के बाहर कहीं भी वो गिरेगा। और दूसरा जो महसूस हुआ था, ये सब चीजें आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मुझे वीडियो बनानी है, मुझे इससे कोई हलवा नहीं लेना वीडियो बना के। मेरे पास बहुत परमात्मा एक से एक सुंदर चीजें देता है, मुख से निकलवाता है एक से एक पॉजिटिव चीजें, तो इस चक्रों में मुझे नहीं पढ़ना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ना तो किसी को डराना होता है, ना किसी को भय युक्त करना है, ना हमने नेगेटिविटी फैलानी है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि इसको समझ लें और कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं। यदि ये चीजें जो कुदरत के संकेत हैं सत्य होते हैं, चाहे पूरी तरह से, चाहे 70%, चाहे 80%, चाहे कितना भी, तो ये घटनाक्रम पूरा का पूरा यदि होता है तो उससे हम बच कैसे सकते हैं, हम अपनी रक्षा सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। मुझे पिछले कुछ दिनों से लगातार लोग कमेंट कर रहे थे, कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि ऐसी कुछ वीडियोस वायरल हो रही है कि धरती खत्म होने वाली है, इत्यादि है, तो वो ऐसी नेगेटिव बातें फैला रहे हैं। तो मैंने इस कारण वो वीडियो बनाई थी, जो कुछ मुझे महसूस हुआ था ये वैसे का वैसा बताने के लिए नहीं होता। बहुत एक से एक उच्च साधक यहां धरती के ऊपर मौजूद हैं, सभी को नहीं पता होता, एक से एक बड़े साधक मौजूद हैं और उनको हर चीज का पूर्वाभास इतनी गहराई से हो जाता है, जब एकदम ध्यान की ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि उनके सामने कितना भयानक से भयानक मंजर आ जाए, वो एकदम कपते नहीं, डरते नहीं, घबरा के ध्यान उनका टूटता नहीं कि ये धरती पे क्या हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में जाके उनको पूरा आगे तक का होता है, लेकिन फिर कुदरत जब ऐसा दिखाती है तो बहुत बार कुदरत ये बहुत गहराई से संकेत करती है कि इन चीजों को गुप्त रखा जाए, तो वो नहीं बोलते। हजारों साधक ऐसे मौजूद हैं
और हजारों लाखों ऐसे देवता, ऐसी ऊर्जाएं, ऐसे पवित्र शक्तियां मौजूद हैं जो बहुत प्रकार से जो नेगेटिव घटनाक्रम होने वाला है उसको रोकने में लगी हुई हैं। आप कैसे इससे बच सकते हैं और क्या क्या होगा, होगा क्या क्या, जो मैं कह रहा हूं कि कुदरत के संकेत हैं जो मैंने कहे हैं। पहला मैंने यही कहा था कि ऊपर सूर्य की तरफ से जैसे दो सूर्य बन गए हों, एक और जलती हुई बहुत प्रचंड अग्नि धरती की तरफ आएगी और आके एक किनारे से जैसे टकरा के हल्का सा और अंदर चली गई, इस तरह से आप उसको देखेंगे। जब भी वो घटनाक्रम होगा, मैं समय नहीं जानता, समय नहीं कह सकता, वो महीने बाद हो, 6 महीने बाद, 5 साल बाद हो, 7 साल बाद हो, 8 साल बाद, समय कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैं कंपित हो गया था उस घटनाक्रम में। फिर भी आपको जितना हो सकता है मोटा मोटा बताता हूं, और मेन चीज वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि उससे बचाव कैसे हो सकता है हमारा, कैसे हम बच सकते हैं, 100% सेफ हो सकते हैं। कुदरत संकेत क्या देना चाह रही है, क्या कुदरत इसलिए दिखा रही है कि उसको डराना है किसी को, नहीं, कुदरत बचाव के लिए, सावधानी के लिए कुदरत आप तक मैसेज पहुंचा दिया कि आप सावधान हो जाए, गलतियां कर रहे हैं उनको छोड़ दें। महाभारत जब हुआ, भगवान कृष्ण ने बार बार सावधान किया कौरवों को, बार बार दुर्योधन को सावधान किया, रुका, लेकिन नहीं रुका तो अंत में उसका नाश हुआ। प्रकृति में जब ऐसा कुछ होना होता है तो प्रकृति बार बार सावधान करती है, हमें बार बार संकेत देती है, यदि कोई समझे ही ना फिर बात जो होना है कुदरत में होता है। फिर तो ऐसा ही अगला घटनाक्रम क्या होगा, पहला तो यही था कि ऊपर से बहुत प्रचंड एक भौगोलिक घटना होगी, सूर्य की तरफ से बहुत अग्नि आएगी। कोई 4-5-6 महीने पहले, शायद 5-6 महीने पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें भी ये चीज रिपीट की थी जो आज सत्य हुई है। तो दूसरी घटना ये कि पृथ्वी एक बार कंपित हो जाएगी, पूरी पूरी डावाडोल हो जाएगी, हिल जाएगी जैसे भूकंप आता है। दूसरा जो इंडिकेशन है वो ये है कि धरती हिल जाएगी, उसमें एकदम ऐसे लगेगा कि जैसे प्रलय आ गई है। अब वो कितनी देर होगा, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए, या काफी लंबे समय तक, वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सावधान हो जाएं और बच सकें। हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है, वो आपसे बात कर रहा हूं। वीडियो शायद थोड़ी ज्यादा ही लंबी हो जाती है इस मैटर पे, लेकिन फिर भी दूसरा घटनाक्रम धरती पूरी तरह से कंपित होगी, तीसरा ये जल प्रलय जैसे हालात बन जाएंगे, जैसे डैम टूट जाए, पानी एकदम सब तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी, जो बचे उसको जहाज पर, या प्रकृति ने जिसको बचाना है उसको पहले ही सेफ जगह पहुंचा देगी, या फिर वो इस तरह से फील होते हैं जैसे जहाज के ऊपर कोई चल रहा है, अब जिसको मैं ज्यादा लंबा नहीं कर सकता, समझे आप, इतना ही परमात्मा का संकेत है या वो इतना ही बताना चाहता है। मुख्य मुद्दा यह है कि बचाव, बचाव क्या है। देखिए, जैसे मैंने परसों भी इस वीडियो में कहा था कि जब कोई किसान अपने खेत में गेहूं बोता है तो जितनी भी ऐसी घास फूस जो उपयोग की नहीं है, जो किसी काम की नहीं है, उसको वो उखाड़ के फेंक देता है। प्रकृति में बिल्कुल ऐसा ही होता है, प्रकृति एक किसान है और हम खेत हैं, हम वो घास फूस है या उपयोगी अन्न हो सकते हैं जो किसान ने बोया है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। प्रकृति में यदि हम किसी भी प्रकार से प्रकृति के लिए, संसार के लिए उपयोगी हैं, प्रकृति के लिए अच्छे हैं, लोगों के लिए अच्छे हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं, तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी, हमारा पालन पोषण करेगी। बचाव के 2-3 तरीके हैं। पहली बात तो ये समझ लें कि प्रकृति खुद ही फिर पालन पोषण भी करती है और एक एक तार जोड़ के आपको पूरी तरह सुरक्षित भी कर देती है। आप कुछ भी, जो भी आपके द्वारा कर्म होंगे, जाने अनजाने आपके कर्म ऐसे होंगे कि वो हर कर्म आपको बचाव की तरफ ले जाएगा। अब कितना बड़ा होगा ये घटनाक्रम, क्या क्या होगा, वो मैं नहीं जानता क्योंकि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, साधारण साधक हूं, तो जितनी छोटी छोटी बात होती है वो आपको बता देता हूं, छोटी बड़ी जो भी आपकी समझ में हो। दूसरा, जितना आप कुदरत के लिए हेल्पफुल होंगे, अब क्या क्या हो रहा है ये सबसे अधिक कहां होगा इन चीजों का नुकसान, जहां पे मेरा
मांसाहार पशुओं की बलि दी जाती है, पशु ही पशु खाए जाते हैं 24 घंटे, जहां पशुओं की इतनी हैवीनेस, क्योंकि जहां पे निरंतर ऐसे कुछ देश हैं जहां पे निरंतर इन जानवरों के ऊपर बड़ा भयंकर अत्याचार होता है, सुबह से शाम तक इन्हीं का मांस खाया जाता है, उनकी जो ऊर्जा बन जाती है वो धरती पे बहुत हैवी हो जाती है। ये सूक्ष्म जो एक तरह से लोग की वो बता रहा हूं आपको बात, वो सब घटनाक्रम क्यों होता है, क्योंकि जब जहां पे बहुत पाप जिसको कहते हैं बहुत गलत काम होता है, वहां निर्दोष जानवर निरंतर मारे जाते हैं, और जितने गलत काम होते हैं वहां पे होते हैं, तो वहां की धरती की जो ऊर्जा है बहुत हैवी हो जाती है, धरती उसको वाकई सहन नहीं कर पाती। तो ऐसे में ऐसी चीजें होती हैं, भूकंप इत्यादि, बड़े बड़े सुनामी इत्यादि, ये सब घटनाक्रम उसमें होते हैं। दूसरा, पहला तो आप जितना संसार के लिए उपयोगी हो सकते हैं, कल्याणकारी हो सकते हैं, शुभ हो सकते हैं, प्रकृति हमारी उतनी रक्षा करती है, खुद ही करती है, साक्षात प्रकट होके चाहे भगवान आपकी रक्षा करें वो करते हैं फिर 100%। दूसरा बचाव का ये माध्यम होता है कि यदि हम इतने स्वच्छ पवित्र इतने शुद्ध नहीं है तो अपने आप को शुद्ध बना लें। उसका क्या मार्ग होता है? वो मार्ग होता है परमात्मा से जुड़ने का, उस परमपिता परमात्मा से एक होने का। ये जीवन जिसका हम मकसद भूल चुके हैं, इसका एक ही मकसद होता है, केवल और केवल एक, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ एक करने का। उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, ज्यादा थोड़ा बहुत जितना भी, अभी आने वाले समय में जितना कोई कर सके, धरती के ऊपर आप जितने वृक्ष लगा देंगे इतना आपका पुण्य हो जाएगा, इतना की हद से ज्यादा। आने वाले समय में वृक्षों की इतनी 5-7 साल में जरूरत होगी, इतना या शायद युद्ध बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाएगा, परमाणु अस्त्रों का उपयोग होगा, जो जो कुछ होगा वहां पे स्वच्छ वायु की अत्यंत जरूरी होगी। पहला ये काम सभी लोग कर लें, 5, 10, 20, 50 जितने भी आप पेड़ लगा सकते हैं प्रकृति में लगाएं, प्रकृति की रक्षा करें। दूसरा, आप कुछ भी ना और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हर रोज परमात्मा का भजन करना शुरू कर दें, उससे क्या होगा, यही बात मैंने परसों भी रिपीट की थी और जो आज सच हुई, उसका एक घटनाक्रम सच हो गया, बाकी आपके सामने धीरे धीरे आता जाएगा, आपको याद रहेगा सारे का सारा कि किसी ने क्या कहा था। और ये भी हो सकता है कि जब अगले घटनाक्रम हो आप दोबारा कमेंट मोबाइल पे करने के लिए मोबाइल उठाएं और मोबाइल आपका बंद हो, हम बैक जा चुके होंगे, शायद ये संभव है, और 50 साल पीछे हम चले जाएंगे, 100 साल पीछे चले जाएंगे, यानी कि इंटरनेट सुविधा बंद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल संभव है, पूरा पूरा कुछ ऐसे ही चिन्ह मौजूद हैं। बाकी लोग कौन क्या कहता मुझे नहीं पता, कोई ज्योतिष के आधार पे कहता होगा, कोई कैसा, कोई अपनी साधना के आधार पे कहते हैं, सबका अपना अपना, प्रकृति सबको अपना अलग तरीके से माध्यम चुनती है। आप केवल पाठ भजन कर लें, सुमिरन कर लें जितनी देर हो सके, उससे क्या होगा, क्योंकि जब कोई नेगेटिव आपके साथ होने वाला होता है, आपके साथ कुछ बुरा कुछ गलत होने वाला होता है, तो सभी ग्रहों की मलिन ऊर्जा हमारे आभा मंडल में आ जाती है। और मान लो किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला है तो उसके आभा मंडल में पहले ही कम से कम 6 महीने पहले उसके आभा मंडल में बुरी ऊर्जाएं आनी शुरू हो जाती हैं, और धीरे धीरे वो ऊर्जाएं आभा मंडल को क्रॉस करके उसके चक्रों में प्रवेश कर जाती हैं। उसी को कहते हैं कि जब किसी का बुरा समय आता है तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसके विपरीत जो ग्रह हैं उनकी नेगेटिव ऊर्जा ग्रहों की उसके आभा मंडल में आती है, और सरकते सरकते उसके चक्रों में जाके उसकी बुद्धि का नाश कर देती है, जिसका नाश होना है। तो वो जा रहा है कहीं से, कहीं आग लगी हुई है, वो कुछ ऐसा उल्टा काम करेगा कि आग में जाके गिर जाएगा, कूद जाएगा, क्योंकि उसके चारों तरफ और अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा भर गई है वो उसको फोर्स करेगी कि तेरा समय आ गया है, क्योंकि उसने जो पिछले 6 महीने थे जब नेगेटिविटी लगातार हमारे ऊर्जा भीतर आ रही थी, उसने उसको दूर करने का कोई मार्ग नहीं चुना। ये परमात्मा ने हमें इतना विकल्प दिया हुआ है, इतना विकल्प हमें दिया कि यदि हम अपने आप को स्वच्छ कर लें तो बचाव निश्चित हो जाता है। इसी के आधार पे महामृत्युंजय मंत्र और दूसरे सारे मंत्रों की साधना है, क्योंकि वो यही काम करते हैं, सारी नेगेटिव ऊर्जा को छांट के आपको स्वच्छ कर देते हैं, आप खतरे से बाहर हो जाते हैं, आप के लिए फिर प्रकृति खुद काम करती है, आपके लिए वो सारे नियम
अलग से एक तरीका बनता है। आप कहीं जा रहे होंगे, कोई नेगेटिव घटनाक्रम होगा तो आपका बचाव कैसा होगा, कोई तीसरा व्यक्ति आएगा आपको उठा के सेफ जगह पहुंचा देगा, ये होगा फिर। तो आप रोज पाठ भजन जितनी देर कर सके उतनी देर जरूर कर लें। उससे जब रोज रोज आप एक घंटा करें, दो घंटा करें, क्योंकि अगले आने वाले कुछ वर्ष बहुत कठिन होने वाले हैं धरती के लिए। कहां कहां क्या क्या होगा, बहुत देश तो पूरी तरह शायद नष्ट ही हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े विकसित देश पूरी तरह नष्ट होने की पूरे चांसेस हैं। हालांकि भारत सबसे फिर भी अच्छा रह जाएगा, जहां पे काफी हद तक सबसे सेफ एरिया भारत ही एक तरह से लग रहा है, बाकी समय बताएगा। तो जब आप पाठ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, भजन करेंगे, आप कुछ भी अच्छा काम करेंगे, उससे पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट होती है। आपका जो धर्म है, जो इष्ट देव है, कुल देवता है, कुल देवी है, किसी का भी आप नाम जाप शुरू कर दें, उसके साथ एक वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। तो यदि मान लें किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला भी है, तो उसके ऊपर सब ग्रहों की मलिन ऊर्जा जो आ रही है, जो उसको नाश की तरफ लेके जाएगी, वो सारी सारी रोज छटती जाएगी। वो व्यक्ति रोज बैठ के राम 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 करता जा रहा है, तो उस वाइब्रेशन से स्वच्छ पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होगी और सारे आपा मंडल से सारी नेगेटिव ऊर्जा को छाट के व्यक्ति को शुद्ध कर देगी। और यदि उसके साथ बुरा होना भी है तो 99% बच जाएगा, 1% भुगत के उसका कर्म से छुटकारा हो जाएगा। यही प्रकृति का नियम होता है, इसीलिए प्रकृति वो सब चीजें दिखाती है किसी न किसी को और फिर आप तक पहुंचाती है। जिसका बचाव करना होता है, जिसका कल्याण करना होता है, उसी तक पहुंचती हैं, सब तक नहीं पहुंच सकती। प्रकृति खुद चयन करती है किसको कैसे बचाना है, किसको कैसे मैसेज देना है, एक एक चीज प्रकृति चयन करती है और फिर अपना काम करती है। तो इसके बचाव का सबसे एक तरीका, सबके लिए जितना हेल्पफुल होंगे उतना अच्छा है, दूसरा पाठ भजन में लग जाए रोज एक घंटा दो घंटे, मन लगे ना लगे एक बार करना शुरू कर दें, वो धीरे 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 भजन ऐसी चीज है नशे की तरह लग जाता है, फिर वो लपेट लेगा आपको अपने भीतर और पूरी तरह परमात्मा स्वयं सुरक्षा करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।